पहले आपको आपका ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, उसमें सर्च करना पड़ेगा गेट इनटू माय पीसी। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए आपको राइट साइड में सर्च बार दिखेगा, उसमें आपको सर्च करना है ऑफिस प्रोफेशनल 2016। उसके बाद आपको उसको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, पूरा नीचे ही जैसे आप आएंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। पहला वाला है आपका ऑफिस का आईएसओ फाइल, उसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड शुरू हो जाए फिर से आपको वही पेज पे जाना पड़ेगा और नीचे वाला जो सेकंड डाउनलोड है उसको क्लिक करना है। यह है आपका एमएस ऑफिस को एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेटर। मैंने डाउनलोड करके आईएसओ फाइल को और एक्टिवेटर को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। ये वाला है आईएसओ फाइल और ये राइट साइड वाला है एक्टिवेटर, इसको अपन ओपन करते हैं। सेटअप को ओपन करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद इसको क्लोज करना है। इसके बाद आपको आपका एमएस ऑफिस को कोई भी वर्ड या एक्सेल को ओपन करना है। ओपन करने का लेफ्ट साइड में फाइल को क्लिक करके अकाउंट पर जाना है। जैसे कि देख सकते हैं आप इसको एक्टिवेशन रिक्वायर्ड बता रहा है, तो चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं। यह है अपना एक्टिवेटर। सबसे पहले आपको आपका विंडोज का फायरवॉल को डिसेबल करना है, इससे आपको वायरस प्रोटेक्शन में जाना है। वायरस प्रोटेक्शन में जाने के बाद आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन देगा, उसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपको फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपका एक्टिवेटर को ओपन करना है। इसमें आपको पासवर्ड पूछेगा, उसका पासवर्ड है 123, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। देखिए आपका एक्टिवेटर ओपन हो चुका है। एक्टिवेशन को क्लिक करने के बाद आपको देगा एक्टिव एमएस ऑफिस, उसको आपको क्लिक करना है, ओके करना है, फिर से ओके करना है। ये 2-3 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका एमएस ऑफिस का फुल पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा, इसको आप लाइफ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, इससे आप आपके विंडोज़ को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। मैंने वर्ड को ओपन कर लिया है। चलिए फिर से फाइल में जाके चेक करते हैं एक्टिवेट होया है या नहीं।
जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड बता रहा है, आपका एमएस ऑफिस एक्टिवेट हो चुका है।